महान वैज्ञानिक माने तांकर उल्लेखनीय उद्भावन और आविष्कार द्वारा विज्ञान को समृद्ध करिसंती एवं सेगुडीकर सकारात्मक प्रयोग द्वारा विश्वर कल्याण साधित होइछि। एही आविष्कार और उद्भावन केतेबेले सेमानक मास मास वर्ष वर्षर अक्लांत परिश्रम द्वारा होइथाय तो केतेबेले आकस्मिक भावरे होइथाय। लेट्स नो आवर फेमस साइंटिस्ट सीरीज रे जानिबा देश विदेशर प्रसिद्ध वैज्ञानिकक विषय रे। एही सीरीज रो पार्ट फोर को मु डॉक्टर सरोजिनी साहू प्रथमे स्वागत जनाउछि। आज आम जानिबा सार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विषय रे। सार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड रो जने प्रसिद्ध चिकित्सक तथा माइक्रोबायोलॉजिस्ट थिले, किंतु प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन रो आविष्कार जोगु से सारा पृथ्वी रे प्रसिद्ध। एबे देखिबा पेनिसिलिन आविष्कार सम्बन्धीय घटना। थरे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टी समय रे शहर बाहर को जाइथिले। जिबा समय रे किंतु कौनसी कारणवशतः से परीक्षा करूथबा किछि पेट्री डिश को परिष्कार न करी चली जाइथिले। 1928 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारिख रे से छुट्टी रु फेरिबा परे पेट्री डिश गुडी को निरीक्षण करि व्यवहार उपयोगी डिश बाछिबा को लागिले। लक्ष्य कले अधिकांश खराब होई व्यवहार अनुपयोगी होई जाइथिला, तेणु सेगुडी को से फेंगी देबा पई स्थिर कले। हठात एक डिश रे किछि अद्भुत धरणर जिनिस लक्ष्य कले। से डिश टी बैक्टेरिया कॉलोनी द्वारा संपूर्ण रूपे आवृत हो जाइथिला। केवल गोटे क्षुद्र गोली भली स्थान रे कवक थिला और यहाँ चारिपटरे थिबा किछि स्थान बैक्टेरिया मुक्त तथा परिष्कार थिला। सते जेपरी एही कवक गुड़िक बैक्टेरिया मानंकु नष्ट करि दैथिले। फ्लेमिंग अनुभव कले एही कवक को अनेक प्रकार रे बैक्टेरिया नष्ट करिबा पई व्यवहार करा जाय पारिबो ओ एही दिगरे परीक्षा करी से आविष्कार करथिले पृथ्वीर प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एबे जानिबा तांक परिवार विषय रे किछि। फ्लेमिंग 1881 मसीहा अगस्ट 6 तारिख रे आइसा डर्वेल निकटस्थ लुजफिल्ड फार्म रे जन्मग्रहण करथिले। तांक पितांक नाम हक फ्लेमिंग और मातांक नाम ग्रेस स्टिर्लिंग मोर्टन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1915 मसीहा डिसेंबर 24 तारिख रे आयरलैंड रो सारह मेरियन नामनी एक तालीम प्राप्त नर्स को विवाह करथिले, किंतु प्रथम स्त्री मृत्यु परे 1953 मसीहा एप्रिल 9 तारिख रे आमाला कुदसोरी भोरिकास सहित द्वितीय विवाह करथिले। एबे देखिबा शिक्षा। निज घर लुजफिल्ड ठारु 1 किलोमीटर दूर रे थिबा लोडाउन मोर हेउछि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का प्रथम स्कूल। काठपटा द्वारा निर्मित एक ब्रिज द्वारा मोर नदी पार हो तांको स्कूल जिबाको पडुथिला। जिबा बळे तांको मा प्रतिदिन तांको गोटे गरम आळु देउथिले जहाकि तांको गरम रखुथिला ओ तांको खाइबा द्वारा भोक मेटुथिला। से स्कूल रे जणे मात्र शिक्षक थिले ओ 10 जण पिलांकर एकाथरके नामांकन होइथिला। तापर से डार्वेल रो एक बड़ स्कूल रे पढ़ीथिले। एहा पर से 2 वर्ष वृत्ति पाई किलमार्नाक एकेडमी रे अध्ययन करथिले। 1895 मसीह रे से लंडन को चली गले ओ सेठरे रॉयल पॉलिटेक्निक अनुष्ठान रे तांकर बेसिक शिक्षा समाप्त करथिले। तापर से एक नौपरिवहन कंपनी रे चाकरी कले। एही कार्य तांको भलो न लागिबारु तांकर काका जॉन फ्लेमिंग कठारु किछि टंका धार नै लंडन रो सेंट मेरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल रे नामांकन कराइले। सेठारे से मेडिसिन एवं सर्जरी उभय रे स्नातक डिग्री लाभ करथिले। एबे देखिबा तांकर अवदान। प्रथम एंटीसेप्टिक रो कार्यकारिता। से दर्शाइथिले जे कार्बोलिक एसिड बोरिक एसिड एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड भली एंटीसेप्टिक गभीर क्षतर बैक्टेरिया नाश करिवारे विफल। अपरपक्षे एगुड़िक संक्रमण विरुद्ध शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति को ह्रास करिथांति कारण एगुड़िक श्वेत रक्त कणिका को नष्ट कर दियंति। फ्लेमिंग परीक्षा माध्यम दर्शाइथिले जे एंटीसेप्टिक गुड़िक केवल बाह्य क्षतर चिकित्सा क्षेत्र में सफल किंतु गभीर क्षतर चिकित्सा क्षेत्र में विफल। एबे लाइसोजोम रो आविष्कार। फ्लेमिंग 1921 मसीह रे नाकर श्लेष्मा रे एक पदार्थ आविष्कार कले जहाँ बैक्टेरिया मानक खंड विखंडित करदिए। यार नाम से रखिले लाइसोजोम। यही लाइसोजोम नाकर श्लेष्मा व्यतीत रक्त सीरम लुह लाल क्षीर भली तरल पदार्थ रे मिलवाक लगला। यह तार प्राकृतिक अवस्था रे रोग सृष्टिकारी बैक्टेरिया क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली। एबे देखिबा से पाई किसी सम्मान बा एवार्ड। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन द्वारा तांकु एफआरएस अर्थात फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी एवार्ड द्वारा सम्मानित करा जाइथिला। इंपीरियल सोसाइटी ऑफ नाइट्स बैचलर द्वारा नाइट बैचलर। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग द्वारा एफआरएससी बा फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड द्वारा एफआरसीएस बा फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स।
रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा आल्बर्ट मेडल द्वारा सम्मानित करा जाई थिला। एबे नोबेल पुरस्कार आल्फ्रेड नोबेल को 1895 मसीहार इच्छा अनुसार प्रतिवर्ष पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान शरीर विज्ञान औषध साहित्य और शांति क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करिथिबा व्यक्ति विशेष को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। 1945 मसीह आलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन रो आविष्कार पाई मेडिसिन रे पाई थिले विश्वर सर्वोच्च सम्मानजनक नोबेल पुरस्कार। एबे देखिबा सार आलेक्जेंडर फ्लेमिंग को स्मारकी। सार आलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंडन रो जेउ अनुष्ठान रे पेनिसिलिन आविष्कार करिथिले ताकु सार आलेक्जेंडर फ्लेमिंग म्यूजियम रे परिणत करा जाइछि ओ जेउ स्थान रे पेनिसिलिन आविष्कार करिथिले ता उपरे ई प्लाक रखा जाइछि। एतत व्यतीत आर्जेंटीना रे तांका स्मृति उद्देश्य रे करा जाइछि सार आलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंस्टीट्यूट। स्पेन रो बार्सिलोना रे प्रतिष्ठा करा जाइछि तांकर एक प्रतिमूर्ति। ग्रीस रे सार आलेक्जेंडर फ्लेमिंग बायोमेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर। एतद व्यतीत स्कॉटलैंड रो फेरो आइलैंड रे तांको नाम रे एक डाक टिकट प्रचलन करा जाइथिला। एबे देखिबा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक रो व्यवहार। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक गुडी को अनेक बैक्टीरिया संक्रमण जनित रोगर चिकित्सा पई व्यवहार करा जाए। साधारणतः मध्यम कर्ण साइनस पाकस्थली क्षुद्रांत्र बृहदंत्र ब्रुकक इत्यादि होता संक्रमण चिकित्सा पई पेनिसिलिन रो व्यवहार करा जाए। एतद व्यतीत निमोनिया सेप्सिस मेनिंजाइटिस एंडोकार्डिटिस भली संक्रमण जनित सांघातिक रोगर चिकित्सा पई मध्य पेनिसिलिन एंटीबायोटिक रो व्यवहार करा जाए। सार आलेक्जेंडर फ्लेमिंग को द्वारा आविष्कृत पेनिसिलिन रो चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग जोगु असंख्य व्यक्ति जीवन रक्षा हो सारी एवं भविष्य में जीवन रक्षा हो तेणु यथार्थरे समाधि उपरे लिखा जाइछि रिमेम्बर बिफोर गॉड सार आलेक्जेंडर फ्लेमिंग FRS डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन।